हेलो, माय नेम इज मोहम्मद आसिफ। मैं दिल्ली से लोकल मिनिएचर पेंटिंग करता हूँ और ये मैंने पुराना कल्चर, पुराना जमाना, पुराना पैलेस का मेला दिखाने की कोशिश की। तो देखिए, ये मेरा काम है, 3 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ और दिखाने की कोशिश की है उस जमाने में किस तरीके से मेला लगा करता था, कैसे कुश्ती होती थी, एंटरटेनमेंट का साधन ही सिर्फ मेला होता था या इस तरह के गेट टुगेदर होता था, जो कब से मेरे दिमाग में था वो बनाने की मैंने कोशिश करी है। उम्मीद है सबको अच्छा लगेगा। अच्छा आसिफ भाई, मेरे चंद सवाल हैं आपसे। आपका काम मैंने देखा है और बहुत बेहतरीन काम है, उसके बारे में तो दो राय नहीं है। सो मैं जो आपके पेंटिंग आपके पीछे है, जिस पे आपका काम चल रहा है, उसके बारे में मैं आपसे चंद सवाल करूंगा। एज एन आर्टिस्ट, आपको क्या मोटिवेशन मिला ये बनाने के लिए, और उसके बाद फिर कुछ और सवाल हैं मैं आपसे करूंगा। आपको ये जो पेंटिंग बनाने के लिए, जो उस पेंटिंग में आपने दिखाया है पुराने समय का मेला, उस मेले में तरह तरह की लोग, संस्कृति, कल्चर और उनका सेलिब्रेट करने का ढंग, मेले में एंजॉय करने का ढंग, कहीं मुशायरा दिख रहा है, कहीं पे हमें कहीं डांस हो रहा है, कहीं कुश्ती हो रही है, कहीं मिठाइयां हैं, बाजार का भी आपने एक रूप दिया है। तो ये सारा आपका जो क्रिएशन है, जो आपके दिमाग में इसकी एक क्रिएटिविटी, हम जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से आपको इसकी मोटिवेशन मिला। हाँ, मैंने कोशिश करी है उस जमाने में जितना भी एंटरटेनमेंट होता था, हाँ, वो किस तरीके से होता था। हमारे दिमाग में सारे ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस हैं, हाँ, सुना है, हाँ, देखा तो हम सब ने नहीं है, हम सब इतने पुराने जमाने से, जाहिर है नहीं है। आजकल हमने मैक्स देखे, ये सब चीजें देखी हैं, वॉल्स देखे, तो इसलिए मैंने ये उसमें ये दिखाने की कोशिश करी है कि पहले किस तरीके से एंटरटेनमेंट होता था और उसको मुगल शैली में बनाने की कोशिश करी। तो ये मेरा मोनोलॉग नहीं है, है मुगल शैली, वही हमारे ट्रेडिशनल जो स्टाइल है वही है और उसमें मैंने अपना सब्जेक्ट दिखाया, लेकिन दिखाया पुराना जमाना ही है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जो आपके पीछे पेंटिंग है, इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे फिगर्स हैं, बहुत सारे पर्सन्स हैं, तो जो उसमें खास बात देखने को मिल रही है कि जितने फिगर्स हैं उनके सबके चेहरे जो है, किसी का भी चेहरा एक जैसा नहीं है, सबके चेहरे अलग अलग हैं, और वो चीज़ वो एक दिमाग में रखना कि
कोई भी चेहरा एक जैसा ना हो, हर चेहरा अलग है। हमेशा से प्रैक्टिस करी जी जी, हमेशा से मैंने उसकी प्रैक्टिस करी, कभी ऐसा कोशिश नहीं करी कि एक चेहरा मैं कभी रिपीट कर दूं जी, और मैं इसमें कामयाब हूं जी। मैं कभी मैंने चाह के भी वैसा चेहरा दोबारा नहीं बनाता, जैसे क्योंकि दो चीजें एक सी होती नहीं, कोई दो चीजें एक सी होती नहीं। और उसमें आपको आपने जो पुराने जमाने का जो पहनावा है उसका भी ध्यान रखा है, हर वर्ग का पहनावा की मुशायरे में लोग क्या पहनावा पहन के बैठे हैं और बाजार में लोग क्या पहनावा पहन के बैठे हैं और जो कुश्ती है उसमें क्या पहनावा है, उस समय की आपने सारी चीजों को समेटा है। तो एक एक मेरा आखिरी सवाल है कि जो ये मिनिएचर क्या है, मिनिएचर पेंटिंग क्या है और उसमें बेसिकली किस टेक्निक को, बेसिक टेक्निक को फॉलो किया जाए? बेसिक टेक्निक तो ये पेंसिल है, फिर सिया कलम होती है, सिया कलम के बाद शेडिंग होती है, शेडिंग के बाद कलरिंग होती है, कलरिंग को हम रंगाई कहते हैं, उसके बाद खुलाई होती है, फिर से शेडिंग होती है, शेडिंग के बाद फिर लिखाई होती है, फिर तैयारी होती है। छह या सात स्टेप्स हैं मुगल मिनिएचर, इसमें उसी को मैं फॉलो करता हूं। तो इस मिनिएचर के बारे में कुछ बताइए, व्हाट इज मिनिएचर, क्या मिनिएचर और बाकी पेंटिंग्स में इज समथिंग जो साइज में मिनिएचर हो और उसमें डिटेल पूरी हो, डिटेल पूरी हो, डिटेल में कमी नहीं होनी चाहिए, साइज सिर्फ उसका स्मॉल है, और अगर डिटेल में कमी नहीं है तो फिर तो जैसे दिखा देते हैं हल्की सी परछाई, एक कान दिखाया एक कान नहीं दिखाया, एक हाथ दिखाया एक हाथ नहीं दिखाया। हमारी इसमें ये कोशिश होती है कि मिनिएचर हो, सिर्फ देखने में सिर्फ स्मॉल हो लेकिन उसमें डिटेल इतनी हो कि देखने वाले को मुश्किल आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, बहुत थैंक यू।